से हम जा रहे हैं कश्मीर की तरफ। रोहित आगे निकल चुका भाई पूरा, तो ये पता नहीं यार नौटंकी करते हैं कभी, इसका फ़ोन चार्ज लगा कभी हेडफोन नहीं है, वो दिक्कत देता है भाई बहुत ज़्यादा। तुम वैसे भी अदरवाइज उसके पास अगर फ़ोन ना हो तो ये पीछे रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेम करता है भाई कि तुम मुझे पीछे छोड़ दो। भाई अगर तुम देखो सब कुछ करना है तो अपने हिसाब से देखना, तो अपने हिसाब से अलग से तैयारी करो भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये। अभी आगे बहुत ज़्यादा हमें ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो यार यहाँ पे लोकेशन बहुत बढ़िया थी, तो बैनियाल में पहुँचे थे हम, तो दो तीन फ़ोटो क्लिक की। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया लोकेशन भाई, यहाँ के पहाड़ ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं सच में। तो अभी चलते हैं, अभी यहाँ से बहुत ज़्यादा डिले हो गया तो निकलते हैं। भाई एक होटल में आ चुके हैं हमारे सामने, यार फाइनली हम बाहर निकल चुके हैं भाई। बहुत बड़ी टनल थी यार, तो जो पहले टनल थी उसके बाद ये दूसरी टनल है जो इतनी बड़ी है। तो यार जब ट्रक में जो सारे जो देख रहे ना अपने राइट हैंड में खड़े हैं, तो यार इनकी एक बारी आती है, जैसे कि जम्मू के साइड से कल छोड़े थे उन्होंने तो इतना सारा ट्रैफिक लगा था, तो आज ये जाएंगे कश्मीर की साइड से, तो जिसकी वजह से देख सकते हो यहाँ पर पूरा ट्रक के ट्रक लगे हुए हैं। यार तुम देख सकते हो सामने लगी अपनी डीमन, तो लुक वाइज देखिए भाई बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स। तो भाई इसको जब भी बड़े शहर में, तो एक सीन स्टार्टिंग में भाई ने इसके बदले 1,000 रुपये लिया। यार एक्चुअली पता सीन क्या हुआ था, इसने पूरा कम से कम यहाँ से लेके और इसका टायर यहाँ पे था, तो इसने क्या किया था कि जस्ट उस बस वाले के पीछे रखा था, तो जैसे उसने पहाड़ी था तो जैसे उसने रेस देने के लिए क्लच छोड़ा जो भी किया, तो इनफैक्ट इसके ऊपर जितना भी वेट पड़ गया सारा टूट गया यहाँ से ये। तो मेरे को लगा इसका शोकर शुकर सारा गया, इसको लगता है गाड़ी में लादना पड़ेगा, बट वैसा सीन नहीं हुआ, बच गया। तो बस इसका यही टूटा है, तो फिर आगे रोक के उसे पैसे मांगे, जब बच्ची जिस ये 2,000 मांगने के चक्कर में था जबकि उसने 1,000 रुपये दिया, वो भी नहीं देता अगर हम ना होते तो साथ में, अगर सिंगल होता ना भाई तो समझ सकते हो भाई इनका एरिया है। तो यार अभी मैं उस एरिया में जहाँ पे पुलवामा का हमला हुआ था, तो भाई वो इस साइड पड़ गया, तो हम जाएंगे श्रीनगर पुलवामा पड़ गया इस साइड, तो इसी एरिया भाई। तो भाई इतना बढ़िया एरिया हो गया, इतनी आर्मी हो गया भाई, यकीन नहीं होता कि ऐसा सीन हो चुका है। कुछ अंदर के लोग होते हैं भाई ऐसा करने के लिए भाई, बहुत यार सारा का सारा तुम देखो मैं BSF एरिया है, पूरा का पूरा आर्मी एरिया भाई, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गया था। और एक और बात मैंने नोटिस किया, जो मैंने जो ब्रेक पैड डाले हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें से आवाज़ आ रही है टिक 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 करके, देखो देख लो रास्ते में क्या मकरा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, इसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। बड़ा अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा इसकी खूब लेना भाई, बहुत ज़्यादा ये तंग कर रहा है लोगों के घर के सामने ही। यार अभी हम जा रहे हैं गुलमर्ग की तरफ, तो गुलमर्ग नाम सुना है बढ़िया जगह, तो काफ़ी वाले से पूछा भाई, उन्होंने भी रेकमेंड किया है कि भाई बढ़िया जगह है तो जा सकते हो वहाँ पे, कोई इशू नहीं है वैसे चीज़ का, तो सिग्नल ग्रीन हुआ बढ़िया। तो भाई क्या कहता है कि किसका फ्यूल करवाएंगे फुल, अभी एक टाइम होता है वो भी मेन सेल है, सबसे बड़ा सेल यही था, तो आगे जाके टैंकी फिर भरवाएंगे इसका फिर देखेंगे आगे। तो यार आज श्रीनगर में हम थोड़ा सा लोकल ही देखेंगे, जो भी है 40-50 किलोमीटर के अंदर गुलमर्ग है, तो फिर जो भी एक दो छोटे छोटे प्लेस जो हमारे रास्ते के बीच में आते हैं तो वहाँ पे घूमेंगे थोड़ा बहुत। तो अभी चलते हैं गुलमर्ग के, गुलमर्ग यहाँ से है 54 किलोमीटर राउंड और रास्ता भी बढ़िया है, तो वैसा इतना पहाड़ी नहीं है तो इसलिए जा रहे हैं।
चलाने पेट्रोल भी चलाने ਉਹ ਭਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਲੋਈਦਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਨਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲੋਜਿਨ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਰੱਖਿਆ ਲੁੱਕ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 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 तो भाई हमें हमारी डेस्टिनेशन लोकेशन है इस तरफ तो नीचे भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। तो यार अभी फाइनली रूम पे पहुंचे हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर दिए और सारे जैकेट वगैरह सब यहाँ पे रखी है। एक कवर मिल गया बढ़िया सा और बैग यहाँ पे। तो भाई रूम तो बहुत बढ़िया मिल गया जैसे कि तुम देख लो। सो ए गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम पहुँचे हैं लेह में। लेह में तो हम कल ही पहुँच गए थे, तो हमारा स्टे था रात को ही। तो सुबह होगी, सुबह के 11 बज रहे हैं। तो यार एक्चुअली एक सीन हो गया था रात को। रात को हम खाना खाने के लिए बाहर निकले तो क्या हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। रोहित के पाँव में चोट लगी है। सो वो दिखाता हूँ फिर उसके बाद। ये था हमारा होटल में रहे फिर। तो तभी सुबह लेट हो गए, 11 बज गए। तो सामान वगैरह सब ले आए हैं। तो जो अपनी जो रोहित की बात कर रहा था, रोहित का एक्चुअली ये सीन हुआ था, उसने की थी बाइक चेंज एक्सचेंज। एक तो यार प्रिंस है ना, क्या बोलूँ, एक तो बच्चों जैसी हरकतें करता है बीच में, तो यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसको रखता हूँ यहाँ पे। तो यार रोहित तो अपनी NS चला रहा था उस टाइम पे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि इसको ये था कि मेरी बाइक चल नहीं रही, ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही। तो इसने क्या किया, रोहित को बोला मेरी बाइक चला के दे। तो देखो ये चीज़, और जो इसका एक एल्गार था वो भी टूट गया, गार्ड वगैरह, और बाकी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। हैंडल वैंडल तो सब कुछ ठीक है, ऑल ठीक है। बस ये लाइट का इशू हो गया, उसके घुटने पूरे छिल गए हैं, चला नहीं जा रहा है, दिक्कत हो रही थोड़ी, चलने में दिक्कत हो रही है, बाकी चल रहा है, ओके है, मस्त बैठा है वो। तो बाकी देखो अब क्या आ रहा है। यार एक तो बाइक चेंज किया, वो नॉन ABS है। नॉन ABS में होता पता क्या है, जो ABS चलाने वाला बंदा ना, जो नॉन ABS पकड़ लेगा ना भाई, उसके तो आउट ऑफ कंट्रोल ही होगी। तो मेरी बाइक तो बिल्कुल एकदम एक मेरे से ज़्यादा पूरा चलाता है, बहुत बढ़िया चलाता है वो, तो तुमने देखा ही होगा, बहुत बढ़िया चलाता है मेरी बाइक। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ABS वाली यार, जो बंदा ABS चला रहा है ना, उसके पास अगर नॉन ABS दे दोगे तो वो ऐसे ही करेगा। तो फिर अभी चलते हैं फिर खाना खाने के लिए बाहर। अभी सब कोई आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं बाहर। तो उसी वजह से थोड़ा सा हो गया था रात को। अभी थोड़ा सा मूड भी ऑफ है, तो सर में भी दुख रहा है, भूख भी लगी है बहुत ज़ोर से। तो फिर यार अभी निकले हैं मार्केट के लिए। तो कूलिंग सीट बिठाया मैंने रोहित को, इससे बाइक तो चलेगी नहीं। तो फिर इनफैक्ट यही है कि दोनों बाइक ही चलाएंगे हम। पहले आप देखते हैं आसपास में कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल वगैरह, या उसको बैंडेज वगैरह करवाते हैं, फिर निकलते हैं फिर खाना खाने के लिए। नहीं हॉस्पिटल है ना, चोट वगैरह लगी ना तो पट्टी करवानी है। हाँ जी, अरे नहीं फिर कहाँ पे, नीचे। अच्छा यार, मुझे लगा यही है क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म था तो एम्बुलेंस वगैरह लगी थी, तो उसकी वजह से मुझे भी लगा। तो आंटी ने बताया कि नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाके देखते हैं कहाँ पे मिलता है। तो यार अभी जा रहे हैं हम खारदुंगला की तरफ, तो यहाँ से 40 किलोमीटर आराम से जा रहे हैं।
तो यार रोहित को बत्ती पे छोड़ दिया क्योंकि उसकी बत्ती वगैरह बनी थी, तो बत्ती यहाँ पे छूटते नहीं है। और कोई तो हॉस्पिटल में गए थे वहाँ पर पता क्या उसका 74 नंबर था जो कि उसका 4 घंटे बाद आने वाला था। तो फिर बाहर से मेडिसिन वगैरह लेके थोड़ा बहुत उसको होटल पे छोड़ दिया पट्टी वट्टी करके, तो हम निकल दिए बाहर शिमला की तरफ। तो चलते हैं फिर रास्ते में बहुत सारे राइडिंग मिले गए हमें। लेक में छोटी मोटी सीढ़ी समझ रहा था, बढ़िया छोटी मोटी सीढ़ी नहीं है। तो इस तरफ भी ले है और ये भी ले है भाई, पूरे अम्बरसर जितना भाई है। और वहाँ वो पहाड़ी से लेके यहाँ तक है, बहुत बड़ी सिटी है। तो बहुत बढ़िया सिटी है भाई, बहुत ज़्यादा। तो किसी ने दिखाया नहीं होगा भाई इतना बढ़िया ले है। तो इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ है भाई, इतने में तो अम्बरसर आ जाएगा अपना। तो अभी यार हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। तो इस तरफ उन्होंने बताया एक म्यूज़ियम है, तो आगे अपना 3 गेट का जो एक पॉइंट था, तो मेरे को नहीं पता कौन सा पॉइंट है, वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो चलेंगे फिर उसकी तरफ, पहले यहाँ पे होते हैं फिर उसके चलते हैं फिर उसके। तो भाई यहाँ पे इतने टूरिस्ट आए ना बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकता, मेरे को लगा सीज़न नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे जब ऑफ सीज़न भी होता है ना तब भी यहाँ पे लोग आते ही आते हैं, क्योंकि भाई इतनी बढ़िया चीज़ है। सामने जो देख रहे हो ना पहाड़ी है सारा चाइना, उस तरफ जो है चाइना बॉर्डर है, चाइना नहीं है चाइना बॉर्डर है। तो चाइना बॉर्डर के पीछे फिर अपना पड़ेगा चाइना, और कम से कम 200 किलोमीटर यहाँ से जिसको जाने की परमिशन तो एक नंबर भी नहीं है। कुछ लोग जो दिखा देते ना भाई चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान तक तो जा सकते हो उसके सामने, पर चाइना तक नहीं तुम जा सकते। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो फेक फेक वीडियो बनाते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। तो ये जो रास्ता है इस तरफ देखो, ये भी रहा और ये दोनों तरफ है, खुद कंपेयर करो भाई, इतने में तो अमृतसर बहुत आराम से आएगा। तो भाई एग्जैक्ट लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, और इसके पीछे भी है लेक। तो हमारा होटल इसकी साइड पे है क्योंकि ये टेंपल इस तरफ से दिखता था, और ये देखो इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो खुद देखो भाई कितना अमेजिंग है। तो हम आए थे इस तरफ भाई, मैग्नेटिंग हिल था वो था उस तरफ, मेरे को पता था कि हम उसको छोड़ देंगे रास्ते में, और कंफर्म इन्होंने वही किया, वो छोड़ दिया क्योंकि रोज बहुत स्पीड चला रहा था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 7 बज गए थे, तो वहाँ पे रुक नहीं पाए। और यहाँ से 40 किलोमीटर अराउंड है नहीं जा पाएंगे, तो फिर 80 किलोमीटर का राइड हो जाएगा क्योंकि कल निकलना भी है यहाँ से। तो भाई एक नंबर व्यू आ रहा है, और इस तरफ देखो एकदम पूरे मिट्टी के पहाड़ बने हुए। तो अभी चलते फिर इसके अंदर देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे फ़ोटो वोटो हमने क्लिक करवा लिया, और वीडियो वगैरह रील्स वगैरह हो गया हमारा, शॉर्ट्स वगैरह। तो देखो भाई एक नंबर। तो ये है अब बुद्धा जी का टेंपल है, तो अभी बंद हो रखा है। तो अभी चलते हैं हम एक और लोकेशन पर, देखते हैं। सो यार यहाँ पे ना फिर भी अगर जहाँ पे चढ़ाई होती है ना, अगर चढ़ोगे ना तो एक सीन ये है कि जब चढ़ाई करोगे ना तब सांस लेने में दिक्कत आएगी, जब ऐसे नॉर्मली चलोगे ना तो तब तो ठीक है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की कमी है कहीं ना कहीं। तो यार अभी जो पहुँचे हमें ले पैलेस में, तो यार मेरा जो फेस मास्क है वो रह चुका है हमारा ऊपर, उस तरफ से आए थे हम। तो कुछ केरला से बाइक कैन साथ में ही है, मॉडिफाई पीछे ऐसे ही किया। तो यार अंदर चलते हैं, अंदर क्या देखने को मिलता है, आई थिंक म्यूजियम वगैरह होगा यहाँ का। तो चलते फिर अंदर देखते हैं, वीडियो वगैरह बना देंगे नहीं बनाने देंगे अंदर। तो भाई अंदर तक तो होए जो अपना ले का म्यूजियम वगैरह था भाई, कुछ खास नहीं है इतना अंदर, झूठ क्यों बोलूँ, बस 2-4 फोटो लगी है जो पुरानी है, और मेरे को लगा कोई यहाँ की होगी कार लड़ाई वगैरह की, गन्स वगैरह की पिक वगैरह मिलेगी देखने के लिए, और बोल रहे थे वीडियो वगैरह नहीं बनाने देंगे, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो भाई, वो पिक की फ़ोटो लेके क्या करना है।